रिपेयरिंग लीकिंग पाइप। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारी पाइप लाइन को हम मानते हैं कि देखते हैं कि ये हमारे पास में एक पाइपलाइन है, ये हमारे पास में टैप है, यहां पर हमारे पास में एक वॉल लगा हुआ है और इस पाइप में कहीं पर मान लीजिए लीक है। तो कई तरीके के लीक हो सकते हैं। हो सकता है कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक किसी ने गलती से कोई भारी चीज यहां पे लग गई है और यहां पे कोई छेद हो गया है, यहां से लीक कर रहा है। या हो सकता है कि आपका ये ज्वाइंट लीक कर रहा है, या हो सकता है कि ये आपका जो सॉकेट है ये रस्टिंग के कारण यानी कि जंग लगने के कारण यहां पे ये थोड़ा सा टूट गया है और यहां पर इसके बीच में ब्रेक हो गया है और यहां से लीक कर रहा है। इस केस में आपका नलका ठीक है, टैप ठीक है, तो आपको सबसे पहले टैप को खोलना है। तो हम सबसे पहले इस टैप को खोलेंगे। अब हमने टैप को खोल दिया। अब अगर मान लीजिए कि आपका आपने ये अपना इसको खोला, आपने सॉकेट को निप्पल सॉकेट को खोला और ये निप्पल सॉकेट मान लीजिए कि ये खराब है, इसके यहां पर चूड़ी खराब हो गई है या यहां पे जंग लगने के कारण अंदर से सारी इसकी चूड़ियां खराब हो गई हैं, तो ये आपका खराब हो गया, तो आप इसको हटा दीजिए, इसकी जगह पर आप नया सॉकेट लीजिए। लेकिन आपकी ये पाइप जो है ये सही होनी चाहिए, इसमें कहीं पर रस्टिंग के कारण यानी कि जंग के कारण यहां पे ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर सिर्फ ये खराब है, तो आप इसको दोबारा से नया एक लगाकर यहां पर सीलिंग लगाइए, वही आपके थ्रेड लगा के एडहेसिव लगा के इसको लगाइए, फिर इसमें आप इसके जितने भी सीलिंग लग चुकी हैं इनको आप बाहर निकालिए। कभी भी पुरानी सीलिंग आपको यूज नहीं करनी है, आपको नया सीलिंग लगानी है। फिर आप इसमें थ्रेड लगाइए, पुरानी सीलिंग कभी भी काम नहीं करती क्योंकि उसके धागे कट जाते हैं, वो बेकार हो जाता है, तो आपको नया धागा लगाना है और दोबारा से आपको एडहेसिव लगाना है। अब आप इसको टैप को यहां पे टाइट कर सकते हैं। ये आपकी एक सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपकी ये पाइप डैमेज हो गई है, तो आपको इस पाइप को पाइप रेंच से आपको इसको खोलना पड़ेगा। तो पहले आप इसको खोलिए। इसको खोलने के बाद आपको ये नई पाइप लेकर आनी है और आपको फिर दोबारा से नई पाइप में आपको सीलिंग करनी है, थ्रेड लगाना है, एडहेसिव लगाना है और आपको इस लाइन पे, लेकिन आपको ध्यान रहे कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपका गेट वॉल जो है वो बंद होना चाहिए, नहीं तो आपका पानी निकलता रहेगा, आप ये रिपेयरिंग नहीं कर सकते। अब हमने नई पाइप लगा दी, नया निप्पल लगा दिया, फिर दोबारा से हमें पूरे के पूरे सारे ज्वाइंट लगाने पड़ेंगे, फिर यहां पे थ्रेड लगाना पड़ेगा, आपको एडहेसिव लगाना पड़ेगा, फिर आपको सॉकेट लगाना है, फिर आपको नलके के ऊपर फिर आपको थ्रेड लगाना है। जब एक बार ज्वाइंट को आपने खोल दिया तो उसका एडहेसिव जो है, जो आपके थ्रेड है और एडहेसिव है, वो बेकार हो जाते हैं, आपको शुरू से दोबारा लगाने हैं। फिर आपने लगाया, फिर आप इसको, जब आपने ये पाइप लगाई है तो पहले आपको इस पाइप को टाइट करना है। ये आपको याद रहे, जो जो पहले आप लगाते जाएं उसको आप पूरा टाइट करते रहें। तो ये आपने लगाया, ये रिप्लेस किया, इसको लगाया, इसको पूरा टाइट कीजिए, ये टाइट हो जाए, उसके बाद में वो आपने सॉकेट लगाया, इस सॉकेट को अब आप टाइट कीजिए। ये सॉकेट को टाइट करने के बाद में अब आप टैप लगाएंगे सीलिंग के साथ में। और फिर
फिर आप इसको टैब को टाइट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका पाइप रेंच जो है वो बहुत ही कारगर है, वो आपके हर जगह पर आपकी काम करता है। ये आपने इसको टाइट कर दिया, ये आप ध्यान रखें कि जब आपको ये टाइट करना है तो आपको ये ऐसा ना हो कि आपने आखिर तक इसको टाइट किया और ऐसे पहुंच गया, ऐसा नहीं होना है। अगर आप या तो दम लगा के इसको पूरा यहां तक ले जा सकते हैं तो उसकी कोशिश आपको करनी चाहिए, और अगर नहीं हो पाता है तो आपको एक थ्रेड पीछे ले जाके आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सीधा होना चाहिए इसी की लाइन में, तभी ये खूबसूरती लगती है।